शाम के खाने की तैयारियाँ चल रही है। मैंने हिमांशु को इतने सारे लहसुन छील के दिए हैं, बाकी ये छील रहा है। यहाँ पे सब्जी सब्जी बन रही है और यहाँ पे चिकन पकौड़े आज के लिए, तो ये चिकन पकौड़ा बनाने पे लगे हैं। बाकी चाची चुची ये सब बर्तन बर्तन धोने पे लगे हैं। इसमें चने बने थे, इस पर सब्जी, उस पर क्या है चिकन। अच्छा, इस पर चिकन, उस पर बीड़ू पे दाल वो बीड़ू, उस पर दाल बन रही है। बाकी चने चुने तो हमने बना के यहाँ पे रखते थे सूखे, और फिलहाल तो अब यही शाम की तैयारियाँ चल रही है खाने की पीने की। बाकी बैठे हुए थे स्पेशल सिप मंगवाया हमने बाहर से। कहाँ से मंगवाया? झारखंड से। झारखंड से खाना बनाने के लिए स्पेशल सिप हमने मंगाया। आम के पत्ते मंगाए थे, कितना लेके आए भाई? क्या वो भयंकर आग, क्या खतरनाक लगी है यहाँ, खतरनाक आग लग रखी है वो, देखो वो भाई, ये देखो पिछले 3-4 दिन से आग दबा के लग रही है। फिलहाल अपन यहाँ जा रहे हैं, ओ सामने स्कूल में, ओ वहाँ पे। सो फिलहाल ब्लॉग मैंने एडिट कर दिया और अपलोड भी कर दिया होगा, होप आपने ब्लॉग देख लिया होगा। सो फिलहाल आ गए, बहुत भयंकर लग रखे हैं। फिलहाल स्कूल जा रहे हैं, वो पत्ते पत्ते लेने, केले के बोल रहा, केले के पत्ते तले आए थे हम, बाकी आम के पत्ते लेने, और शादी में जो चाहिए होता है, तो यहाँ हम जंगल जंगल में यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, तो सब कुछ हम यहीं जा रहे लेने। बाकी टैंट के उल्टर लड़के लगा रहे हैं, बाकी अपन चलते हैं धीरे धीरे लेके आते हैं आज। सो आजकल गवाणी में लगे लंगूर बहुत सारे आ रखे हैं आजकल गाँव में, बहुत भयंकर भाग रहे, इधर भी कहीं बैठे हैं पेड़ों में दबा के। और काफल यार, मैं सोचा काफल हो जाएंगे, काफल एक दिन गया था, उस दिन थे काफल एक ही पेड़ में थे मीठे, बाकी अभी तो वे नहीं, बाकी यही सीजन था काफल होने का। बारिश नहीं हुई ना, बारिश होगी तो तब होंगे काफल दबा के, बारिश नहीं हो रही आजकल, पता नहीं। वो रोड है और वहाँ से अपन जब जाते हैं ना, वहाँ से नीचे से देखना कहाँ, यहाँ से चढ़ चढ़ के चढ़ चढ़ के ये रास्ता दिख रहा होगा, इस गाँव से होते 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 होते, और ये सबसे टॉप पर हमारा गाँव, ये घर दिख रहा है इससे ऊपर है, यहाँ पे इसके बैक साइड है। सोचो कितना नीचे से कितना ऊपर पैदल आना पड़ता है। फिलहाल ये ऊपर वाले स्कूल है, नीचे वाले स्कूल आपको दिखाया था मैं, कहाँ गए ये? ये तोड़ने आए हैं। किस काम आता है ये? अच्छा, गेट गुट पर शादी के टाइम जो गेट बनता है ना, उसमें लगाने के काम आता है ये भाई। यहाँ से वहाँ ऊपर ये स्लिप कितना हो रहा है ये, यहाँ से पता चल रहा है स्लिप कर रहा, श्यों नीचे जा रहा हूँ मैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है फिलहाल। सो जस्ट अभी पहुँचे यहाँ घर, और नीचे वाली लाइट देखो, यहाँ पे पूरी लाइट ही लाइट होगी। नहीं ओ यार, ऊपर भी ऐसी लाइट लगानी चाहिए थी। बाकी सब यहाँ अपने अपने काम में लगे, शाम के खाने की तैयारी कर रहे हैं। हेलो, कल का सनराइज हो गया और यहाँ देखो सारी तैयारियां हो गई सवेरे सवेरे ही। राइडर सवेरे के अभी 7:30 कोई, रात को 3:30 बजे सोया और 6 बजे उठ गया, 6 बजे उठ गया, अभी 7:30 बजे जस्ट बाहर घूम आए, घर घूम के थोड़ा मूड होया हूँ, तो चलते ऊपर चौक में देखते हैं क्या क्या करना है। सो यहाँ दिन के खाने के लिए सब्जियाँ काटी जा रही है, मतलब कि बरातियों के लिए, तो दिन के खाने की तैयारियाँ चल रही है। गाड़ी वाल चुप रहो।
अब निकल गाड़ी धोसा नहीं था अब बचा था अब देख रहा अब सुबह भी ना शाम तक तो यार खतरा वाली सी वो तो मजा आ कोई ना ना मैं बोली तो बुर मारना ना मैं क्या बोल अब तो वो समझ अब तो मेरे को सोने हुए मान बोल नहीं रज भाई मेरे बाल वे बुझने जा सको क्या हुई ना ना पूरे तो डेढ़ महीने नो अब नहाने जा रहे काम कुम सब ऊपर हो गया देख लेगा सिनेमैटिक सपने तो फिलहाल अभी धूप भी नहीं आई और अभी बज रहे सिर्फ 7:30 रात को 3:30 बजे सोए तो सवेरे उठ गए हम जल्दी 6:30 बजे तक उठ गए थे और काम धाम कर करके एक घंटा हो गया नहीं 6 बजे तक उठ गए थे डेढ़ घंटे में काम कुम करके फिलहाल नीचे जा रहे हैं अब नहाने और ठंडे पानी से नहाने जा रहा हूँ फिलहाल दादी बर्ती गर्म पानी से नहा ले मन नहीं करता वैसे गर्म पानी से नहाने का मैं ठंडे पानी से नहाऊँगा फुल एनर्जी आ जाती है बॉडी में पानी भयंकर बहुत ही ज़्यादा ठंडा है उससे मैं पैर में ही पानी डालने पर लगा हूँ फिर सोच रहा हूँ खुले में नहाने का मज़ा ही कुछ और है तो नहाते हैं फिर मिलते हैं आपको नीचे से नहा धो के आ गए एकदम ठंडे पानी से मज़ा आ गया पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई अच्छा लग रहा है सारी थकान दूर होगी चाय चुई पीते हैं और चलते ऊपर चौक में देखते क्या क्या हो रहा है मज़ा आता था अरे ठंडे पानी से नहा के भयंकर मैं तो गर्म पानी से नहा रहा था मैंने मन कर रहा था ऊपर ही नहा लूँ गर्म पानी से फिर बोला यार चलता हूँ एक बार ठंडे पानी से नहा था पूरी थकान दूर हो जाएगी तो मज़ा आ गया एकदम पूरा बहुत ज़्यादा ठंडा था दूल्हे के लिए स्टेज तैयार कर रहे हैं लौंडे फेरी बनाया है फेरे फूरे लेने के लिए बनाया है इसके सिनेमैटिक शॉट्स मैं देता हूँ आपको लेके यहाँ पे थोड़ी डेकोरेशन की जा रही है डेकोरेशन करते हैं उसके बाद आपको सिनेमैटिक शॉट देते हैं तब तक एंजॉय करना के साथ थोड़ा फन मस्ती करते हुए यहाँ पे पार भीड़ है पूरा सी भोली छे मैच करूं मेरी हीरो एरे छे पार भीड़ है पूरा सी भोली छे मैच कंदूड़ी झुमक झुमली ओए ओए झुमकाले झुमकाले पार डाना के हीरुली बाबा ओए ओए झुमकाले झुमकाले ओए ओए झुमक झुमली ओए ओए झुमकाले झुमकाले ओए ओए हर चीज आने ओ खोलू नदी जानी गात झुमकी वाकी फाइनली जाके पूरा सेटअप इन्होंने तैयार कर दिया अच्छी तरह साफ सुफ करके और यहाँ पे ये एंट्री गेट लगा दी बाकी ये है रेड कारपेट इस पे से गुब्बारे लगाने का एक नया तरीका अरे यार भयंकर ओए जल्दी कर तैयार कर रहे डोली बाकी ये सब कुछ हो गया सेट तो वो बरात आ गई और यहाँ पे डोली लेके उनको लेने को आए हैं मैं तो पहली बार देखा भाई डोली में जाती है दूल्हा डोली पे जाता है दुल्हन को देखा दुल्हन जाती है डोली में बट दूल्हा भी जाता है डोली में पता नहीं तो ये दूल्हे को ऊपर लेके जा रहे हैं तो ऐसे देख के डर लग रहा है उसको पता नहीं क्या हो रहा होगा दूल्हे को कि इतना यहाँ से चढ़ाई करके ऊपर जाना यहाँ से भाई देख रहे हो क्या खतरनाक सीन है ये हो गई एंट्री जूते चुराए किसी ने निकाल दिया गली दूल्हे की एंट्री हो गई है कैमरामैन कहाँ जा रहा है चार नवाब कहाँ 10-15 मिनट हो गए प्रातः को और मैं यहाँ तब से बैठा हूँ मतलब कि ये सब खाना सर्व सुर्व कर रहे हैं नाश्ता उनका तो अब यहाँ पे पीछे खाने की टेबल लग गई है उसके बाद उनको खाना खिलाते हैं उसके बाद हम खाना खाते हैं यहाँ पे बरातियों की सेवा करते हुए चाय नाश्ता पिलाते हुए बाकी ये सब बैठे हुए हैं यहाँ पे जयमाला स्टार्ट हो गई है तो कुछ क्लिप दिखाता हूँ आपको जयमाला इधर स्टार्ट हो गई इधर हमारा खाना लग गया खाना बहुत जल्दी लगा लिया पीछे हमने ये सोचा कि अब ये बोल रहे हैं जयमाला के बाद खाना तो फिलहाल कुछ क्लिप चेक करना मेरी ये देखो मुश्किल अश्कों को चुकाना लगता एक छत अपने वीडियो पे नहीं लेता है तो ये लो आप हमारे वीडियो पे लेकिन वीडियो बन रही है अब क्या करूं रे समझी चूर गयो अरे अंग्रेजी मैडम मैं देख मॉडर्न कोमाऊ मेरा मॉडर्न कोमाऊ छट छटा बाटा मेरा छट छट
तेरी आँख मच में सजन में पल कोन बस तेरी आँख मच में सजन में डोले में बिठा दिया, यहाँ पे डोला है अच्छा साहिल है तो यहाँ पे डोले में बिठा दिया और ये सारे गांव वाले हैं यहाँ पे। तो फिलहाल इसके बाद अपन चलते हैं नीचे, दुल्हन डोली में जा रही है उसको डोले में रख रहे हैं अभी। बाकी सिनेमैटिक शॉट चेक कर लेना मेरा, अगर बढ़िया अंकल लगे तो शेयर करता। दुल्हन को अब डोले में रख रहे हैं और ये सारे यहाँ पे गाँव वाले और ये चिल्लर पार्टी, ये सारे जा रहे हैं चिल्लर पार्टी बरात में। दोनों गाँव से बरात जाते हुए यहाँ पे तो बरात जा रही है, अपन बरात के पीछे पीछे जाएंगे पूरे सिनेमैटिक शॉट सब दिखाता हूँ नीचे तक। थक गए थे रात को, दो लिटली सब चले गए थे रात को ब्लॉग एंड नहीं किया, सुबह हम जल्दी उठ के आ गए और फिलहाल हरिद्वार पहुंच चुका हूँ और जैठे खाना पीना खाते हैं। तो होप आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आए, तो देख लेना अगर पसंद आए तो शेयर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया से ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर। नीचे इंस्टाग्राम आईडी अभी भी जाकर फॉलो करो, बाय 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 बाय।